गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू पूजन डायरीज। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई एम फाइन, गुड। अभी थोड़ा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया है, वापस नॉर्मल हो रहा है, तो डरिए मत। ये दो चार दिन काफ़ी खतरनाक था एटमॉस्फेयर, तो चलो अभी देखते हैं अभी आगे कैसे रहता है। तो चलो अभी रनिंग वॉकिंग एक्सरसाइज सब हो गया और टाइम टू गो होम। और ये कनाडा का जो वाइल्ड फायर था वो काफ़ी भयानक था, मैंने मेरे पिछले ब्लॉग में रखा है, देखना। बहुत ही बड़ा फायर हुआ था, तो मतलब कितने 100-200 कितने माइल्स तक वो फैला हुआ है, पता नहीं वो कैसे लगा, क्या हुआ, बट होप सब सेफ हो और अपना ख्याल रखे। कनाडा यूएसए में अभी तो यहाँ पे हमारे यहाँ वर्जीनिया में तो काफ़ी सुधर गया है, एटमॉस्फेयर खुला हो गया है, नॉट टू वरी नाउ। तो बस नहीं रहिए हमारे साथ, तो चलो घर जाके मिलते हैं। अभी एटमॉस्फेयर वापस ऐसा हो गया है जैसे बारिश होने वाली हो, पता नहीं, अभी भी एटमॉस्फेयर कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जॉब से घर आ गई मैं और अभी आपको कुछ दिखाती हूँ कि जनक क्या कर रहा है। बहुत काम करता है लड़का, भाई बहुत काम करता है। क्या कर रहे हो आप? मैं मेहनत मेहनत का आटा मेहनत का आटा खाया जाएगा। ये रहा, आटा बन रहा है वो अभी। यहाँ पे ये लोट तैयार मिलता है, हम आशीर्वाद का लाते हैं, तो बस जरा कोई भर रहा है डिब्बे में, क्योंकि लोट खाली हो गया था तो थोड़े का लोग भर देते हैं। और यहाँ पे दराने का वो सब नहीं होता है मोस्टली हमारे यहाँ भी। अभी तो बड़ी सिटियों में शायद ये मिलता ही, आशीर्वाद का ही मिलता है हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी। तो इधर भी, इधर तो बहुत सारे मिलते हैं, तो आशीर्वाद का थोड़ा अच्छा आता है, तो पहले से यही लाते हैं हम, तो अभी तो यूज़ करते हैं और अच्छा भी है। और आपको क्या कहना है, कुछ कहना है उसके बारे में? बस आपको आपको आशीर्वाद का आटा कैसा लगा? हाँ अच्छा है, पर इंडिया जैसी फीलिंग नहीं आ रही, बट एडजस्ट करना पड़ता है, यही है। हाँ वो तो है, अभी हमारे जैसी चपाती थोड़ी बनेगी वहाँ के जैसी। वहाँ तो हम गेहूँ अपने हिसाब से घंटी में हाँ करवाते हैं ना, इसलिए ऑफकोर्स वो तो नहीं होता है, पर जो भी है अभी हाँ वही करते हैं। और बाद में पेट को भी अभी पता चल जाता है, तो वो भी एडजस्ट कर लेता है उसके हिसाब से। यही है, अभी रोज यही मिलना है। अभी देखते हैं आज का खाना बनाते हैं, फिर आज बहुत कुछ करना है और फिर कल आपको दिखाएंगे क्या करना है वो सब। और अभी 2-3 दिन से थोड़ी सर्दी और कफ भी बहुत हो चुका है, तो शायद आपको साउंड थोड़ी वैसी आएगी मेरी, क्योंकि आवाज़ थोड़ा बैठ चुका है और कफ बहुत हो गया है अभी, क्योंकि पता नहीं अभी शायद फ्लू की वजह से है या इधर वो वेदर भी सब बहुत ख़राब हो गया था 2-3 दिन से, तो शायद उसकी वजह से है। हाँ तो पता नहीं किस लिए, पर आज थोड़ा बेटर है, देखते हैं अभी कैसा रहता है। रात तक सुबह दवा ली थी मैंने, तो देखते हैं शायद अभी तो उसका असर होगा, इसलिए अच्छा है थोड़ा। अभी देखते हैं रात को कैसा रहता है, बस थोड़ा आराम करना है अभी,
बना के स्ट्रॉन्ग गर्ल स्ट्रॉन्ग 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 बेटा है मेरा स्ट्रॉन्ग यस आई एम स्ट्रॉन्ग 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 बोलती हूँ पर लूज हो जाती है तबियत तुरंत ही लाउड हो जाती है मेरी चलो अभी देखते हैं खाना क्या बनाते हैं आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं टेस्टी ऐसे रोज अच्छा ही बनाते हैं हम तो ओके चलो देखते हैं क्या करते हैं कुछ नया बनाएंगे उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है पालक निकाल लिया है हाँ दैट मींस पालक बनाई जा रही है आज और उसके साथ ये पनीर भी है हमारा हाँ तो समझ जाइए और बताइए क्या बनेगा तो आज बना रही हूँ मैं पालक पनीर ओके पालक पनीर बना रही हूँ तो बस ये पहले इतनी ले ली है पहले उसको वॉश कर लूँगी वॉश करने के बाद हम उसको उबालने के लिए रख देंगे ये एक साइड पनीर भी फ्राई कर दे और ये मैंने देखो पानी इधर उबालने रख दिया है पानी उतना रखो कि पालक के ऊपर थोड़ा सा रहे एक इंच जितना तो पालक अच्छे से उबल जाएगी पानी में बस अब इसको छोड़ दो मीडियम आँच पे या फिर थोड़ा बहुत फुल तो वो उसकी तरह से होता रहेगा अब एक साइड हम ये अपना शुरू कर देंगे और पनीर को मैं डीप फ्राई नहीं करने वाली शैलो फ्राई करूँगी क्योंकि डीप फ्राई में ना फिर बहुत ऑयली हो जाता है इसलिए थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे हम और वो भी ज़्यादा नहीं करना है बस थोड़ा बहुत ऐसे तो कच्चा डालना चाहो किसी को कच्चा भी पसंद आता है तो कच्चा आप डालना चाहो तो आप कच्चा भी डाल सकते हो डिपेंड आपको क्या पसंद है अगर कच्चा नहीं पसंद तो सिर्फ ऐसे थोड़ा सा सेलो फ्राई कर दो बहुत हुआ पहले से पनीर को काट के थोड़ी देर रख दिया था 15-20 मिनट ड्राई करने के लिए ताकि अभी जब इसको फ्राई करें ना तब तेल की जो छांटी उड़ती है ना वो ज़्यादा ना उड़े इसलिए पनीर को फ्राई कर दिया है आपको जैसा पसंद हो ज़्यादा लाल नहीं पसंद तो थोड़ा कम फ्राई कीजिए मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए हमने उस हिसाब से किया है और पालक को मैंने बॉईल करके ये पानी निकाल दिया था और इसको ठंडा करने रखा है ताकि जब हम मिक्सर में पीसे तब वो गर्म ना रहे और मैंने इतना रेडी किया उतने में जनक ने भी कुछ तो किया होगा आपको वो भी दिखा देती हूँ मैं उसने क्या किया जनक ने रोटी का आटा बांध के रेडी कर दिया है अभी ये रोटी का ही है पर सोचती हूँ अभी रोटी बनाऊँ या फिर पराठा कुछ बना दूँ देखती हूँ कैसे थोड़ा डिज़ाइन में करूँगी तो थोड़ा खाने में मज़ा आएगा पालक पनीर के साथ आपको क्या बोलना है चलो अभी मैं ये मिक्सर में पहले पीस लेती हूँ ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाए तो ये रेडी हो चुका है हमारा इसमें थोड़ा क्रीम डालेंगे तो थोड़ा कलर भी मस्त हो जाएगा बस रेडी है पनीर पालक पनीर रेडी टू ईट आज हम पालक पनीर खाएंगे और कुछ कहना है आपको बस जल्दी से भूख लगी खा लेते खाना बना दिया और थोड़ी देर बाहर रिलैक्स करने के लिए बैठे हैं ये देखिए कैसे विराजमान किए हुए हैं तो मस्त बन गया है अभी और थोड़ी देर में खाना खा लेते हैं और बस और बताओ आप बस आज रिलैक्स कर रहे हैं हाँ खाना बना के फ्री हुए थोड़ी और बाहर थोड़ी अच्छी सी दो दिन एयर अच्छी रही थी सोचा आज थोड़ा अच्छा हो तो आज ले लेते ले। तो वो लेने बैठे हैं बाहर हाँ कब से बैठे हैं तो चलो कोई नहीं अभी रिलैक्स हाँ थोड़ा शांति चाहिए ना दिमाग को दिमाग को शांति चाहिए थोड़ी तो इसीलिए अभी शांति लेने बैठे हैं ओके तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं कल मिलेंगे वापस कल कुछ स्पेशल है तो बहुत कुछ स्पेशल है बहुत मज़ा आएगा तो बने रहिए हमारे साथ और थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा कल आपको भी मज़ा आएगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लूप भोजन डायरीज बाय टेक केयर एंजॉय जय श्री कृष्णा एंड हैव अ नाइस डे कीप एंजॉयिंग ऑलवेज स्माइल बाय बाय